पहला पाठ नहेम्या का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 2 से 4 5 से 6 और 8 से 10। पुरोहित एज्रा सभा में संहिता का ग्रंथ ले आया। सभा में पुरुष स्त्रियां और समझ सकने वाले बालक उपस्थित थे। वे सातवें मास का पहला दिन था। उसने सवेरे से लेकर दोपहर तक जल द्वार के सामने के चौक में स्त्री पुरुषों और समझ सकने वाले बालकों को ग्रंथ पढ़कर सुनाया। सब लोग संहिता का ग्रंथ ध्यान से सुनते रहे। शास्त्री एज्रा विशेष रूप से तैयार किए हुए लकड़ी के मंच पर खड़ा था। एज्रा लोगों से ऊंची जगह पर था। उसने सबों के देखने में ग्रंथ खोल दिया। जब ग्रंथ खोला गया तो सारी जनता उठ खड़ी हुई। तब एज्रा ने प्रभु महान ईश्वर का स्तुतिगान किया और सब लोगों ने हाथ उठाकर उत्तर दिया, आमीन आमीन। इसके बाद वे झुक गए और मुंह के बल गिरकर उन्होंने प्रभु को दंडवत किया। उन्होंने ईश्वर की संहिता का ग्रंथ पढ़कर सुनाया, इसका अनुवाद किया और इसका अर्थ समझाया जिससे लोग पाठ समझ सकें। इसके बाद राज्यपाल नहेम्या, याजक तथा शास्त्री एज्रा और लोगों को समझाने वाले लेवियों ने सारी जनता से कहा, यह दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के लिए पवित्र है, उदास होकर मत रो, क्योंकि सब लोग संहिता का पाठ सुनकर रोते थे। तब एज्रा ने उनसे कहा, जाकर रसदार मांस खाओ, मीठी अंगूरी पी लो और जिसके लिए कुछ नहीं बन सका उसके पास एक हिस्सा भेज दो, क्योंकि यह दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। उदास मत हो, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वो आत्मा और जीवन है। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है, वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है, वे अज्ञानियों को समझदार बनाती है। अनुवाक्य। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वो आत्मा और जीवन है। प्रभु के उपदेश सीधे सादे हैं, वे हृदय को आनंदित करते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट हैं, वे आँखों को ज्योति प्रदान करती हैं। अनुवाक्य। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वे आत्मा और जीवन है। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वे अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सही हैं, वे सब के सब न्याय संगत हैं। अनुवाक्य। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वे आत्मा और जीवन है। प्रभु तू मेरी चट्टान और मुक्तिदाता है। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं वे सब के सब तुझे प्रिय लगें। अनुवाक्य। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वे आत्मा और जीवन है। पाठ दूसरा, कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 12 और 16 से 20। यदि हमारी शिक्षा यह है कि मसीह मृतकों में से जी उठे, तो आप लोगों में कुछ यह कैसे कहते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता? कारण यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे। यदि मसीह नहीं जी उठे तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप अब तक अपने पापों में फंसे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग मसीह में विश्वास करते हुए मरे हैं उनका भी विनाश हुआ है। यदि मसीह पर हमारा भरोसा इस जीवन तक ही सीमित है तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक दयनीय हैं।
किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे। जो लोग मृतकों में से सो गए हैं उनमें वे सबसे पहले जी उठे। ये प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकस द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1-4 तथा अध्याय 4 पद संख्या 14-21 तक। जो परम से प्रत्यक्षदर्शी और सुसमाचार के सेवक थे उनसे हमें जो परंपरा मिली उसके आधार पर बहुतों ने हमारे बीच हुई घटनाओं का वर्णन करने का प्रयास किया है। मैंने भी परम से सब बातों का सावधानी से अनुसंधान किया है, इसलिए श्रीमान थियोफिलुस मुझे आपके लिए उनका क्रमबद्ध विवरण लिखना उचित जान पड़ा, जिससे आप यह जान ले कि जो शिक्षा आपको मिली है वह सत्य है। आत्मा के समर्थ से संपन्न होकर ईसा गलीलिया लौटे और उनकी ख्याति सारे प्रदेश में फैल गई। वह उनके सभागृहों में शिक्षा दिया करते और सब उनकी प्रशंसा करते थे। ईसा नाजरत आए जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी ईसाया की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर ईसा ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ईसा ने पुस्तक बंद कर दी और वह उसे सेवकों को देकर बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर टिकी हुई थी। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।